राजमा चावल तो सभी को बहुत पसंद होते हैं। राजमा को किडनी बीन्स भी कहते हैं। इसमें प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में होता है, जो वेजिटेरियन के लिए बहुत अच्छा सोर्स है। ये कोलेस्ट्रॉल कम करता है, इसलिए हार्ट और डायबिटिक के लिए बहुत ही फायदेमंद है। फैट ना के बराबर होता है, इसलिए इसे बिना डर के खा सकते हैं। आज हम बनाएंगे चित्री वाले राजमा। वैसे तो राजमा अलग अलग क्वालिटी के आते हैं, मगर चित्री वाले जो राजमा होते हैं वो बहुत ही टेस्टी बनते हैं। यहाँ पर हमने 3 कटोरी राजमा लिए हैं। 3 कटोरी राजमा 10 से 12 लोगों के लिए बनाएंगे हम। सबसे पहले हम राजमा को अच्छे से धो लेंगे और धोने के बाद हम राजमा को 8 से 10 घंटे के लिए भिगो देंगे। देखिए, राजमा को रात भर भिगोने के बाद राजमा इतने अच्छे से फूल गए हैं और जो इसके ऊपर की कवर है वो भी बहुत पतली सी हो गई है। इस तरह से राजमा को भिगोने से हमारे राजमा जो बनते हैं वो हमारे डाइजेशन को बिल्कुल ठीक रखते हैं और गैस भी नहीं बनती है। अब हम राजमा को उबाल लेंगे। हमने कुकर में 2 लीटर पानी डाल दिया है। अब हम कुकर के अंदर ये सारे राजमा डाल देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे। नमक जो हमने डाला है वो सारे राजमा के अंदर आ जाएगा और राजमा जब बनेंगे वो फीके फीके से नहीं लगेंगे। राजमा को हमने बॉईल होने के लिए रख दिया है। अब हम चावल को भी अच्छे से भिगो देते हैं धोकर। यहाँ पर हमने 2.5 गिलास चावल लिए हैं। हम इसको पानी में अच्छे से धोकर भिगो देंगे। चावल को हमने 2 से 3 बार अच्छे से धो लिया है। चावल का अच्छे से स्टार्च निकल गया है। अब हम इसमें पानी डाल देंगे और चावल को हम 1 घंटे के लिए भीगने देंगे। और भीगने के बाद जब चावल बनाएंगे हम, तो चावल हमारे बहुत ही खिले खिले और लंबे लंबे बनेंगे। कुकर में 1 सीटी आ गई है। अब हम गैस को बिल्कुल स्लो कर देंगे और हल्के गैस पे ही राजमा को पकने देंगे। राजमा में तड़का लगाने के लिए हमने यहाँ पे लिए 4 से 5 प्याज। प्याज को हमने मोटा मोटा काट लिया है। 15 से 20 कलियाँ लहसुन की, 1 इंच अदरक का पीस, 5 से 6 टमाटर, 4 से 5 हरी मिर्चें। अब हम इनका अलग अलग पेस्ट बना लेंगे। प्याज का और टमाटर का पेस्ट बना लिया है। खड़े मसाले ले लिए हमने यहाँ पे, 2 तेज़पत्ता, 4 लौंग, 10 से 12 काली मिर्च, 1/2 चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची और 2 छोटी इलायची, नमक, हल्दी, धनिया और लाल मिर्च। अब हम तड़के की तैयारी कर लेते हैं। 3 चम्मच तेल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है। यहाँ पर हमने मोटी और छोटी इलायची जो ली थी, थोड़ा सा हम उसे कूट लेंगे। कूटने से जो इसका फ्लेवर होगा वो बहुत अच्छा आएगा, नहीं तो साबुत इलायची जो डलती है उससे उसका फ्लेवर नहीं पता चलता। हम सारे खड़े मसाले तेल में डाल देंगे। थोड़ी सी जब तक खुशबू ना आए तब तक हम प्याज नहीं डालेंगे। लौंग चिटकने लगी है और हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। राजमा का असली टेस्ट उसके ग्रेवी में होता है। ग्रेवी अच्छी बनाने के लिए हमें प्याज को बहुत अच्छे से भूनना होगा और जब प्याज अच्छे से भुनेगा तभी हमारी ग्रेवी बहुत ही टेस्टी बनेगी। देखिए, प्याज हमारा अच्छे से ब्राउन हो गया है और कितना कलर चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर टमाटर डाल देंगे। अब हम गैस को तेज कर देंगे। प्याज और टमाटर को हम तब तक भुनेंगे जब तक टमाटर अपना तेल ना छोड़ दे। देखिए, टमाटर ने कितने अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। 1 चम्मच हल्दी, 2 चम्मच धनिया डालेंगे और 1.5 चम्मच मिर्ची। नमक हमने पहले भी डाला हुआ है राजमा में, तो हम इसमें 1 चम्मच भर के और नमक डाल देंगे। और अब हम मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेंगे। जिस कटोरी में हमने पेस्ट बनाया था उसी में थोड़ा सा पानी डाल के हम मसाले में डाल देंगे। देखिए, राजमा हमारे कितने अच्छे से बॉईल हो गए हैं। अब हम राजमा को मसाले के संग भून लेंगे। हम सिर्फ मसाले में राजमा डालेंगे और राजमा को बिना पानी के अच्छे से भूनेंगे। हम इस पानी को फेंकेंगे नहीं और इसी पानी से हम अभी राजमा की ग्रेवी बनाएंगे। चावल के लिए हमने एक बड़े से पतीले में 2 लीटर पानी डाल दिया था और वो पानी अच्छे से गर्म हो गया है। अब हम पानी के अंदर खड़े मसाले डालेंगे। 1 तेज़पत्ता, 1 जीरा, 1 काली मिर्च, 1 लौंग और 1 मोटी इलायची। पानी में हमने सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं और 1 मिनट के लिए हम इसे प्लेट से ढक देंगे। जो फ्लेवर है सारा पानी के अंदर आ जाएगा, फिर हम चावल डालेंगे। हमने सारे राजमा को मसाले के संग 102 मिनट तक अच्छे से भून लिया है।
अब हम ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं। अब हम सारे राजमा को राजमा के बचे हुए उबले हुए पानी में डालेंगे। यहाँ पे हमने सारे राजमा ग्रेवी में डाल दिए हैं और कितना अच्छा कलर भी आ गया है। और अब हम हल्की गैस पे राजमा को पकाएंगे। और अब हम इसमें हमने 3 से 4 हरी मिर्च ली है, वो लंबी लंबी काट ली है, वो भी इसमें डाल देंगे। इससे राजमा का फ्लेवर जो आएगा बहुत ही टेस्टी होगा। राजमा को प्लेट से ढक देंगे और 5 से 7 मिनट तक हल्की गैस पे हम पका लेंगे। देखिए चावल को 1 घंटा हो गया है और चावल अच्छे से भीग गए हैं और कितने अच्छे फूल भी गए हैं। देखिए सारे खड़े मसालों ने पानी में फ्लेवर छोड़ दिया है। अब हम सारे चावल अपने पानी में डालेंगे। आज हम चावल को माड़ निकाल कर बनाएंगे। इस तरीके से बनाने से इससे सारा फैट निकल जाता है और हम दिल खोलकर राजमा चावल खा सकते हैं। हमने सारे चावल पानी में डाल दिए हैं। हमने यहाँ पे लिया 1/2 नींबू और नींबू का रस भी हम चावल में डाल देंगे। नींबू का रस डालने से जब हमारे चावल बनेंगे वो बहुत ही खिले खिले बनेंगे और बहुत ही सफ़ेद बनेंगे। और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। नमक डाले हुए चावल बच्चे बहुत पसंद करते हैं। अब हम चावल को ढक देंगे, थोड़ा सा खोल देंगे और अब हम 5-7 मिनट तक चावल को ऐसे ही पकने देंगे। देखिए 5 से 6 मिनट हो गए हैं, राजमा में कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है और कितना अच्छा कलर आ गया है। एकदम अच्छे राजमा बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गर्म मसाला और हरा धनिया और गैस कर देंगे बंद। थोड़ी देर ढक देंगे जिससे कि हरा धनिया का फ्लेवर और गरम मसाले का फ्लेवर राजमा में आ जाए और फिर हम उसके बाद इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे से चावल हो गए हैं और कितने ज़्यादा फूल गए हैं। हम थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि चावल हमारे गले या नहीं गले। देखिए चावल अच्छे से गल गए हैं और अब हम गैस को बंद करके इसका माड़ निकाल देंगे। देखिए हमारे कितने अच्छे चावल खाने के लिए बनकर तैयार हो गए हैं और एक एक दाना अलग लग रहा है। अब हम इसके ऊपर 1 चम्मच देसी घी डाल देंगे। थोड़ा सा और डाल देंगे और हरा धनिया डाल देंगे ऊपर से। हम प्लेट ढककर चावल को थोड़ा सा उछाल लेंगे जिससे चावल अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए हमारे चावल कितने अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इधर हमारे राजमा भी बनकर तैयार है और चावल भी बनकर तैयार है। हम फटाफट गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं।